तो इसी तरह से आप देख रहे होंगे हम समान नागरिक संहिता का कानून यहाँ लेकर आए हैं कि आप कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई मजहब मानने वाला हो उत्तराखंड के अंदर अगर रहता है तो उत्तराखंड के अंदर आने वाले समय में सबके लिए एक समान कानून होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा। धर्मांतरण का कानून हम लेकर आए। आपने देखा होगा कोई किसी देश में आया है, कोई टोपी लगा के आया है, कोई बड़ा नीचे तक का पैंट के ऊपर कुर्ता पहन के आया है, वो पता ही नहीं लग रहा था कि बुलाते थे, कुछ पढ़वाते थे, लिखवाते थे, उसके बाद कुछ लालच दे देते थे या कहते थे तुम बीमार हो तो बीमार तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम ये धर्म अपना लो, ऐसे करके महापाप हमारे धर्म से कितने लोगों को दूसरे धर्मों में बदल दिया और लगातार चल रहा था। भाइयों बहनों, हमने तय किया कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, लेकिन इतने हमारे देवी देवता है, माँ गंगा यहाँ से निकलती है, माँ यमुना का यहाँ उद्गम स्थल है, यहाँ पर हमारे बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ जी है, नाथ देवता का स्थान है, काशी विश्वनाथ का स्थान है, माँ शक्ति का स्थान है। इन स्थानों पर ऐसे स्थान जहाँ पर देवता साक्षात विराजते हैं वहाँ पर धर्मांतरण जैसा महापाप हुआ था। ये धर्मांतरण जैसा महापाप हमने कहा देवभूमि में किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, उसके लिए भी हम सख्त कानून लेकर आए और हमने प्रावधान कर दिया, कानून बना दिया कि आप अगर कोई भी धर्मांतरण बिना किसी मर्जी के, जबरदस्ती, बिना नियम की जानकारी के करेगा तो उसको 10 साल तक की सजा हो जाएगी, 10 साल तक की जेल हो जाएगी। इसलिए तो आप देख रहे हो कहीं लैंड जिहाद चल रहा है, कई जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, सरकारी जमीनों पर कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। हमने कहा भाई हमें एक इंच भी सरकारी जमीन पर अब किसी का कब्जा नहीं होने देंगे और तय किया सारी सरकारी जमीनों से अतिक्रमण, कब्जा हटाना हमने सुनिश्चित किया और कानून के अनुसार, विधि के अनुसार इस काम को आगे बढ़ाया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जहाँ लैंड जिहाद चल रहा था, जमीनें हड़पने का काम चल रहा था, साजिशन, एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत काम चल रहा था, वहीं आपने देखा होगा लव जिहाद के मामले भी बहुत आ रहे। मेरे से पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा भाई उत्तराखंड के अंदर हम कोई भी ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान हो, हमारे बच्चों को, सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मेरी माताएं बहनें आगे बढ़े, उत्तराखंड के अंदर विषम परिस्थितियों में काम करती हैं, उसके लिए हमने 30% सरकारी नौकरियों में हमने उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए हमने 30% महिलाओं का आरक्षण सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित कर दिया है। 36 आरक्षण 30% उत्तराखंड में जो है लागू हो गया है।